हेलो फ्रेंड, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूँ सभी लोगों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकिंग कैप्सूल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी RPFSI कॉन्स्टेबल या फिर BDO का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शंस हैं बाबर, नूरजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार किया था, इसलिए इसे शहंशाह हिंदुस्तान 1857 के विद्रोह में घोषित किया गया था। तो अंतिम मुगल शासक कौन था, तो राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार कि निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह सभी नैतिक सुधार पहले स्वयं पर लागू करता था। दोस्तों, औरंगजेब एक धार्मिक सहिष्णु शासक था जिसने नवरोज त्यौहार, तुलादान प्रथा, संगीत आदि को प्रतिबंधित कर दिया था। दोस्तों, औरंगजेब ने ही दोबारा जजिया कर लगाया था। तो निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। ऑप्शंस हैं 20, 16, 18 या फिर 10। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 16। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत में बौद्ध ग्रंथ अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो मगध साम्राज्य था, यानी कि मगध था। तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, तो राइट आंसर होगा 16। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। ऑप्शंस है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1639 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों, लाल पत्थर से बने होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। वर्ष 2007 में इस ऐतिहासिक किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो राइट आंसर दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो वो होगा शाहजहां। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था। ऑप्शंस हैं औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या फिर बालाजी राव। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा शिवाजी। जी हाँ दोस्तों, गुरिल्ला पद्धति के जनक के रूप में मलिक अंबर को श्रेय जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरिल्ला पद्धति के अगर जनक की बात की जाए तो वो मलिक अंबर को कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे प्रयोग करने का श्रेय सबसे पहले शिवाजी को दिया जाता है, जिन्होंने इस पद्धति को मुगलों के विरुद्ध बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया था। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा, तो राइट आंसर होगा शिवाजी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि खालसा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस है हर राय, हर किशन, गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। दोस्तों, इसी दिन खालसे के नाम के पीछे सिंह लग गया, यानी कि तभी से इनके नाम के आगे सिंह लगने लगा। गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शंस हैं होलकर, सिंधी, राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा चंदेल राजपूत। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं।
खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण तो राइट आंसर होगा चंदेल राजपूत। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शंस है मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह ईसा या फिर इस्माइल। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। दोस्तों ये मुमताज महल का मकबरा है, इसका प्रमुख स्थापत्यकार जिसको बोल सकते हैं वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा थे। जी हाँ दोस्तों अगर प्रधान मिस्त्री की बात की जाए कि इसके प्रधान मिस्त्री कौन थे तो राइट आंसर होगा उस्ताद ईसा। और अगर इसे डिजाइन करने वाले यानी कि स्थापत्यकार की बात की जाए तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, तो राइट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों कुतुब मीनार के अगर निर्माण की बात की जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। जी हाँ दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। दोस्तों सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और चौथी मंजिल को तोड़ करके इसे पांच मंजिला इमारत बना दिया। तो किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था, तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही या फिर चंद्र बरदाई। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी का विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। दोस्तों यह शेरशाह सूरी की समकालीन था। इसकी प्रसिद्ध कृति पद्मावत है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की महारानी पद्मनी का जिक्र है। तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान तो राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस है कल्लड़, अलबरूनी, जयदेव या फिर कालिदास। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कल्लड़। जी हाँ दोस्तों कश्मीरी इतिहासकार कल्लड़ सुप्रसिद्ध राज तरंगड़ी के रचयिता थे। राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो राज तरंगड़ी के लेखक तो राइट आंसर होगा कल्लड़। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार कि निम्न में से किसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हुसैन, अमीर खुसरो, मुबारक शाह या फिर नानक। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। जी हाँ दोस्तों अमीर खुसरो सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे, उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को कवाली का पिता, तोताए हिंद या फिर तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का सवाल। जी हाँ दोस्तों आपको पता है कि हम अपने हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है, और पांच जो पहले सही जवाब करता होते हैं उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तथा कम से कम 10 बार जो टॉप 5 में आने वाले स्टूडेंट होंगे उनका नाम और फोटो क्रैकिंग कैप्सूल अपने चैनल पर प्रसारित करता है। तो दोस्तों उसी सीरीज में जो हमने आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था कि मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस थे आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद। दोस्तों जिसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आगरा। दोस्तों मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, जिसके 5 पहले सही जवाब करता थे विक्की मलिक जी, शिल्पा तिवारी, मिस्टर खान, विजय कुमार और कृष्णराज चौधरी। जी हाँ दोस्तों मैं एक बार फिर से नाम रिपीट करना चाहता हूँ, विक्की मलिक, शिल्पा तिवारी, मिस्टर खान, विजय कुमार और कृष्णराज चौधरी, ये हमारे 5 पहले जवाब करता थे पिछले वीडियो के सवाल के। दोस्तों आज का आपका सवाल आपके लिए वो इस प्रकार है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था। ऑप्शन है शाहजहाँ, जहांगीर, मोहम्मद इकबाल या फिर कबीर। दोस्तों आपको करना बस इतना है कि जो भी आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बताइए,
और कम से कम 5 बार, 5 जो पहले सही जवाब करता होंगे उनका नाम लेकर के हम अपने अगले वीडियो में प्रोत्साहित करेंगे, तथा कम से कम 10 बार टॉप 5 में आने वाले स्टूडेंट का नाम और फोटो हम अपने क्रैकिंग कैप्सूल पर प्रसारित करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।